जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के साथ साथ वैलिडिटी गायब है। अब भाई लाइसेंस तो आपका रिन्यूअल है, आपने देखा आपके लाइसेंस में ऑलरेडी वैलिडिटी लिखी हुई है, लेकिन जब जैसे ही आप सिस्टम पे डालते हो लाइसेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे डिस्प्ले खुलती है तो राइट हैंड साइड पे वैलिडिटी नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो उसे रिन्यूअल होगा ही नहीं। तो मैं हूं ना यार आप लोगों के लिए एमटी डॉक्यूमेंटेशन से रमेश। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उस लाइसेंस को कैसे हम रिन्यूअल करा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लाइसेंस को parivahan.gov.in की साइट पे जाओ, वहां से दिल्ली सिलेक्ट करो और उसके रिन्यूअल पे अपना लाइसेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ, अगर वहां पे वैलिडिटी दिखा रही है तो आप प्रोसेस करो, नॉर्मल तरीके से फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर वैलिडिटी नहीं दिखा रही तो भाई साहब आप घोड़े खोल लोगे, लेकिन वो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा पाओगे आप ऑनलाइन। वो होगा कैसे, उसके लिए आप पहले ये देखना आपका लाइसेंस कहाँ से बना हुआ है। P09 है तो द्वारका है, P03 है सरायकाले का, P06 है या P012 है या P08 है, ये जो स्टार्टिंग कोड है ना ये उनके लिए होता है। तो आपको उसी RTO के अंदर विजिट करना होगा, पहले तो एक एप्लीकेशन लिखना होगा टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि जी मेरे लाइसेंस की वैलिडिटी तो मेरे लाइसेंस में शो कर रही है, लेकिन जब मैं उसे रिन्यूअल के प्रोसेस पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो रिन्यूअल नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे वैलिडिटी कुछ दिखाई नहीं दे रही। तब जाकर आप उनको वो एप्लीकेशन दीजिए, अपने ID प्रूफ की फोटोकॉपी लगाइए, लाइसेंस की फोटोकॉपी लगाइए और उनसे एक रिसीविंग लीजिए। मैक्सिमम टाइमिंग इसका 1 वीक का होता है, बट ये 1-2 दिन के अंदर वो जैसे प्रोसेस कर देंगे तब फिर आप अपना ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते। काम तो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, लेकिन वो ऑनलाइन आपका नहीं हो रहा, इसलिए आपको RTO में विजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में वैलिडिटी लिखी है लेकिन जब रिन्यूअल डाल रहे तो उसमें वैलिडिटी नहीं लिखी। ये उस चीज के लिए है, जब वो वैलिडिटी वहां पे अपने सिस्टम पे अपडेट कर देंगे तो आप इजिली तरीके से जो रिन्यूअल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है उसे देख लेना और घर बैठे रिन्यूअल कर लेना। ये रिसेंटली केस मेरे पास आया तो सोचा इस केस पे थोड़ी स्टडी करते हैं, फिर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जा सके, ताकि आप घर बैठे कंफ्यूज ना हो, 10 लोगों के चक्कर में ना पड़े जिसकी वजह से लोग आपको मिसगाइड करें, क्योंकि हमारे यहाँ मिसगाइड ज्यादा करते हैं, क्योंकि सबको नोटों की भूख है, किसी को काम की भूख नहीं है, तो जिसको काम की भूख है वो काम करके दिखाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस है, मेरे से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि कोई और भाई अपना इस वीडियो का फायदा उठा सके। जय हिंद जय भारत।